मेरा नाम तलत खान है, लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरी शादी के हो गए 41 साल हो गए। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बड़ी बेटियाँ हैं, उसके बाद बेटा है, 1 मेरी बहू है। नहीं, जब मैं आई यहाँ तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा कि अरे इतना बड़ा घर है। ये कारखाना था तम्बाकू का, यहाँ तम्बाकू बनती थी, इलायची तम्बाकू, स्पेशल तम्बाकू और खाने की तम्बाकू और हॉकी पीने की तम्बाकू, और वो सब खत्म हो गया सिगरेट। ये कम से कम 250 साल पुराना है। जब बाइजेंशिया के वजीर थे ये उनका था, मेरे परदादा ने खरीदा था। ये तो मेरी शादी, ये सारा फर्नीचर इस जगह का सब शादी से पहले का, एक्सेप्ट दिस टेबल। और एक खानसामा था जो खाना पकाता था लकड़ी के चूल्हे पे, वो कहता था मैं गैस नहीं जला पाऊंगा। गैस थी है, लेकिन बस हम लोग शाम के वक्त या सुबह के वक्त उस पर चाय बना ले। मैंने बहुत कोशिश की हस्बैंड से कि इस घर को वो बेच दे, बहुत ही ज़्यादा मैंने कोशिश की। मतलब मेरी कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था कि प्लीज़ इसको बेच के छोटा घर ले लीजिए, आगे चल के इसको साफ़ सुथरा रखना और बना के रखना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बस वो एक इमोशनल होता है ना अटैचमेंट कि मेरे फादर का घर है तो मैं नहीं इसको नहीं बेचूं, मेरे मरने के बाद तो बेच दूँ। अगर भेजेंगे तो जाएंगे कहाँ? नहीं, यहीं रहेंगे। देखिए इतना बड़ा रहने को, ये हमारी वाइफ है, ये दिन भर दौड़ती रहती। लकड़ी की छतें हैं, कभी पटरे गिर रहे हैं तो कभी दीमक गिर रही है कभी। इसकी समझिए, जब मैं आई हूँ शादी होके तो ये आधी छत गिरी हुई थी, तो मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई रह रहे हैं और आधी छत गिरी हुई है। तो मैंने कहा कि भाई छतें खुलवाइए और छतें बनवाइए सब, और जो कुछ भी मतलब कमी थी वो फिर वो मैंने धीरे धीरे करके अल्लाह का शुक्र सब ठीक करवाई। तो फिर मेरे पाकिस्तान में सब लोग हैं, जेठ वगैरह देवर, तो बाएँ तो बहुत खुश हुए कि तलत तुमने घर बहुत अच्छा कर दिया, बहुत साफ सुथरा। लेकिन हम लोग बड़े घर के रहने वाले हैं, छोटे घर में नहीं रह रहे। हमारी बहन का है छोटा घर चनौट में, हम लोग वहाँ जाते हैं तो एक कमरे में बैठ जाओ, यहाँ आप सारे घर में घूमिए, अंदर जाइए बाहर जाइए आराम से। मैं इस घर की बहू हूँ, मेरी शादी को 4.5 ईयर्स हो गए हैं, 4.5 साल। जब मैं शादी होके आई यहाँ तो जब दुल्हन बन के आई तो बाहर गेट पे जाहिर है उतरे और घूंघट था, तो जब उतर के आए चलने लगे तो काफ़ी देर हो गई, चलते जा रहे सोच रहे थे कितनी अंदर है, गलियों में घर है। ये तो सुना था कि बड़ा घर है, लेकिन ये नहीं सुना था कि मेन एंट्रेंस इतना दूर होगा, और काफ़ी घबराहट हो रही थी कि इतना चलने के बाद भी आ नहीं पा रहे। फिर बहुत देर बाद आए बैठे और रुसक तो नहीं, लेकिन हाँ दूसरे दिन देखा, सुना तो था कि बड़ा घर है, लेकिन जब देखा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। शादी के वक्त यहाँ लाइट्स वगैरह भी लगी थी तो और अच्छा लग रहा था। मुझसे तो इस घर का 4.5 साल का रिश्ता हो गया है, अब तो माशाल्लाह 2 बच्चे भी हो गए और अब बहुत मोहब्बत भी हो गई है। स्टार्टिंग में भी मैंने भी अपने सास की तरह अपने हस्बैंड से बहुत कहा कि इसका मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है, इसको सेल करके दूसरा हम लोग घर ले लेते हैं, लेकिन उनको भी इस घर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि छोड़ने का तो अब सवाल ही नहीं उठता।